अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं आलू का भरता, कुछ लोग चोखा भी बोलते हैं। अब देखिए, पहले हम सबसे पहले चटनी पीस लेंगे। उसके लिए मैंने पहले लिया धनिया, हरी धनिया धो के मैंने इसको ले लिया। उसमें नमक डाल देंगे और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, थोड़ी हरी मिर्च, इसको पीस लेंगे अच्छे से। फाइन पेस्ट बना लिया। इसके बाद हम देखिए इंग्रेडिएंट्स भरते के लिए, आलू मैश उबला और मैश किया, कांदा और टमाटर। कढ़ाई को गरम करके हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, ऑप्शनल है। उसके बाद हम बारीक कटे हुए प्याज को डाल के इसको नरम कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें गैस डाल देंगे टमाटर। देखिए, अब हम हमारे टमाटर और प्याज को एक मिनट ढक के मैंने पका लिया, थोड़े से नरम हो गए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे वापस चलाते हुए। उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़े नमक। गैस चटनी में भी नमक है तो आप थोड़ा ध्यान से डालिए। उसके बाद मैश किए हुए आलू डाल देंगे इसमें और आलू को अच्छे से भूनेंगे। एक मिनट के इतना चलाएंगे उसको अच्छे से। बड़े बड़े जो भी पीस है उसको थोड़े छोटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चटनी। चटनी आप जितना तीखा खाते हैं वो हिसाब से डालिए। यहाँ मैंने 1.5 बड़े चम्मच इतना डाला है, आप 2 भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर लिए। इसको गैस थोड़ा ढक के पका देंगे ताकि थोड़े अच्छे से उसमें लहसुन है, जो लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब देखिए हमारा कितना अच्छा सा भरता या फिर चोखा आप जो भी बोलें, बहुत टेस्टी था गैस। ये आप एक बार बना के देखिए, बहुत टेस्टी बना था। इसमें थोड़ी कटी हुई धनिया डालकर इसको सर्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।